सभी मस्ट रिमेंबर कंटेंट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाने के लिए जो कोर्ट होता है उसे परमिशन चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. लेकिन अगर कोर्ट को कंटेंप्ट चलाना है, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट करना है अपने ही खिलाफ, तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कोई भी परमिशन, कोई भी कंसेंट नहीं चाहिए. लेकिन अगर किसी और के खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट को परस्यू करना है, इस अगर केस को चलाना है, तो कोर्ट नीड परमिशन ऑफ या कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. सो वी हैव एक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971, जिसमें दो टाइप के कंटेम्प्ट दे रखे हैं, सिविल एंड क्रिमिनल कंटेंट. और ऐसे कंटेंट के केस जिसमें आप बोलते हो कि हाँ यहाँ पे कोर्ट की कंटेम्प्ट हुआ है, तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कंसेंट जो है मैंडेटरी है. लेकिन अगर कोर्ट खुद से डिसाइड करता है कि इन्होंने कंटेम्प्ट किया, उन्होंने कंटेम्प्ट किया, तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कंसेंट ज़रूरी नहीं है. लेकिन अगर और कोई बोलता है कि यहाँ पे कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है, कोई भी पर्सन कोर्ट के अलावा, तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कंसेंट इज़ मैंडेटरी. आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो सू मोटो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो सू मोटो पावर दे रखी है सुप्रीम कोर्ट को. और यहाँ पे जब सू मोटो, जब कोर्ट खुद डिसाइड करता है यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड.